दिल्ली पुलिस का आईओ, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, खुद ही कह के आके मुझे इनको गिरफ्तार ही नहीं करना। हर एक एस सी एस टी ओ बी सी और माइनॉरिटीज का अंगूठा नहीं, हाथ काटे जा रहे हैं, गर्दन भी काटी जाएगी। इसलिए 28 तारीख को सब लोग आए सुबह 11:30 बजे। देखिए अभी यहाँ समता सैनिक दल जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं बनाया था और संगठन बनाने के लिए बनाया था, संघर्ष करने के लिए, तो उसके 98 सम्मेलन में आज हम आए थे। तो वहाँ हमने एक बात ये गुजारिश की है, आपकी जो सवाल है उसी को जनता के सामने रखा है कि एकलव्य की बात अब सब सुनते हैं जी। आधुनिक जीवन में एकलव्य पायल तड़वी, रोहित वेमुला और अभी प्रोफेसर चंद्रशेखर जम्मू यूनिवर्सिटी, सबको इतना दबा दिया जाता है, इतना कुचल दिया जाता है, इतना उनके साथ अत्याचार कर दिया जाता है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। डॉक्टर ऋतु का भी एक वैसा ही केस है, इतनी बहादुर, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी हौसले वाली और समझदार प्रोफेसर, महिला प्रोफेसर मेरे ख्याल से देश में कमी होंगी। अब उसको टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि वो उसकी कमीज़ इन सबकी कमीज़ों से सफ़ेद क्यों है, अगर कॉमन पार्लेंस में बताया जाए कि ये हमसे ज़्यादा समझदार, इंटेलिजेंट और हर तरीके से बेहतर क्यों है और लगती क्यों है। इस वजह से 35 बच्चों के सिग्नेचर दौलतराम कॉलेज की प्रिंसिपल ने फोर्ज करके और उसका इस्तेमाल करके, उसमें रजिस्ट्रार दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी हाथ है और इसके अलावा भी बड़े बड़े अधिकारियों का दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाथ है। वजह सिर्फ एक के एकलव्य का, यानी के डॉक्टर ऋतु का अंगूठा किस तरह काटा जाए ताकि वो ऐसा ना लगे कि ये सबसे अच्छी क्यों है। तो इस साजिश के तहत, अब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि पहले तो FIR ही नहीं होती, पूरी ताकत लगा रखी थी दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने कि FIR ही नहीं होनी चाहिए। पहले तो FIR हो गई तो ये ताकत लगाई जा रही थी, हर तरीके से पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि चार्जशीट फाइल नहीं होनी चाहिए। अब चार्जशीट भी, क्योंकि सबूत इतने ज़्यादा है ना कि अगर सबूतों की एक बाल्टी हो तो उसमें पूरा समुंदर उतरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा सबूत हैं, इतने ज़्यादा गवाह हैं, फिर भी उसकी चोरी कर करके सबूतों की भी मजबूरी में चार्जशीट भी फाइल करनी पड़ी। लेकिन जो सबसे दुख की बात है और जो बिल्कुल साफ कर देती है मनुवादी मानसिकता की, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उनकी साफ कर देती है, वो ये है कि हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस का जो IO है इस केस में, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो भी शेड्यूल कास्ट समाज से आते हैं, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी और मुझे इस बात का पूरा अंदेशा है कि ऑब्वियसली उनके अधिकारियों ने ऊपर से उनके ऊपर दबाव बनाया होगा कि नहीं तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हो या नहीं हो, इतना तो नाइंसाफी करने वाला IO नहीं हो सकता कि वो ये कोर्ट में जाके कहे जी हम इसे गिरफ्तार ही नहीं करना चाहते। अब अगर गिरफ्तार नहीं करना चाहते तो इस प्रिंसिपल ने पहले भी यही गतिविधियां रही हैं, एक डॉक्टर ऋतु का केस तो छोड़ देते हैं, पता नहीं कितने केसेस में क्या क्या फोर्जरियां, चोरियां, डकैतियां करके इस प्रिंसिपल ने यूनिवर्सिटी के दूसरे अधिकारियों से, खास तौर पे जो रजिस्ट्रार हैं उनसे मिलके क्या क्या घटनाएँ और दुर्घटनाएँ और अपराध किए होंगे उसकी इंटेरोगेशन करने के लिए पुलिस खुद ही ये बोल रही है कि हम करना ही नहीं चाहते। अब इससे दिल्ली पुलिस को क्या डर है, कहीं ऐसा ना हो के ऐसी दसियों या पचासियों डॉक्टर ऋतु के केस निकल के आ जाएं अगर इसका पुलिस रिमांड हो गया, इसको अरेस्ट कर लिया। तो मुझे यही लगता है कि डॉक्टर ऋतु का अकेला केस नहीं है, ऐसे सैकड़ों हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के, OBC कम्युनिटी के लोगों के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में भेदभाव हुआ है, उसी को छुपाने के लिए दिल्ली पुलिस का IO, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, खुद ही कह के आके मुझे इनको गिरफ्तार ही नहीं करना। ऐसी स्थिति में देखिए, ये नहीं कहा है उसने कि हम कर नहीं सकते, उसने ये कहा है कि हम करना नहीं चाहते, हम करेंगे नहीं, तो इसका मतलब यह है कि वो सबूत इकट्ठे करने में बिल्कुल के बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि सबूत इतने सारे आ रहे हैं। प्रिंसिपल बता देगी कि ये बच्चों के सिग्नेचर, ये लीगली है इसका ये, नहीं कोई ग्राउंड नहीं है, ये सीधे सीधे अपराध है। अगर वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से नहीं होते तो धारा 4 लगती उनके ऊपर, SC कम्युनिटी की, SC ST एक्ट की। हालांकि अभी भी जो उनके दूसरे सीनियर ऑफिसर्स हैं जो SC या ST कम्युनिटी से नहीं आते तो उनके ऊपर 100% इसमें धारा 4 लगेगी, इस स्टेटमेंट को देने में और दिलवाने में, पहली बात। दूसरी बात, जो
SC ST एक्ट की धज्जियां उड़ा के इस केस में इन्वेस्टिगेशन की है, पूरी ताकत लगा के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकारी हैं उनको बचाने की, और दिल्ली जो दौलतराम कॉलेज की प्रिंसिपल है उनको बचाने के लिए, उसके लिए हमने ऑलरेडी कोर्ट में पिटीशन डालने का मन बना लिया है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये सब लोग अपराधों में जो इन्होंने किए हैं पुलिस के अधिकारियों ने, उसमें इनके खिलाफ हम कोर्ट से ऑर्डर लेके इनको भी जेल भेजने का काम। नहीं देखिए, अगर अब भी इसके बाद भी तो क्या हम एक और पायल तड़वी, क्या हम एक और रोहित वेमुला, क्या एक और चंद्रशेखर बनने का इंतजार कर रहे हैं हम? अगर अब भी समाज नहीं जागेगा इस केस के बाद, जिसमें ये साफ साबित हो चुकी है बात, दिल्ली पुलिस जो कि पूरी तरीके से मदद कर रही है अपराधियों की, वो भी ये कहने पे मजबूर है कि हाँ 35 स्टूडेंट तो है ही नहीं, जो है ही नहीं उनके सिग्नेचर किसने किए? प्रिंसिपल ने किए होंगे ना, कॉमन सेंस भी यही कहती है, प्रिंसिपल ने ही इस्तेमाल किए ना, रजिस्ट्रार ने ही वो कागज़ इस्तेमाल किए डॉक्टर रितु को निकालने के लिए और फिर हाईकोर्ट को और SC कमीशन को गुमराह करने के लिए। तो जो ये नहीं ली जा रही है उसकी, ये बिल्कुल एक अपराध है, धारा 166A है IPC की और सेक्शन 4 है जो SC ST एक्ट की है, जो अपराध हो चुका है एक और डॉक्टर रितु के साथ, पहले तो प्रिंसिपल ने किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने किया, और अब दिल्ली पुलिस ने भी डॉक्टर रितु के खिलाफ एक अपराध कर दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि पानी पिलाने पे जातिवाद नहीं होता, वो सब तो है ही। नहीं, वो भी एग्जिस्ट करता है, नए तरीके का है क्या? अब ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में मनुस्मृति जला के जो संविधान लाया था उसमें तो सब प्रावधान है ना, पहले तो प्रावधान ही नहीं थे, तो जो निजाम था वही यही था कि हाँ पानी नहीं पीने देना, पढ़ाई नहीं करने देनी, नौकरी नहीं करने देनी, कोई भी बिजनेस नहीं करने दे रहा, और छुआछूत कर रही है। अब तो ये सब गैरकानूनी अपराध हैं सब, उसके बावजूद भी ये कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा अपराध है। पहले तो ये अपराध नहीं होते थे, आज की तारीख में तो ये, जो दूसरे लोगों ने भी ये बात कही कि ये सबसे बड़ा अपराध है अब, कि जब कानूनी तौर पर ये अपराध हैं फिर भी ये अपराध कर रहे हैं और कानून की मदद लेके ही बचना चाहते हैं, क्योंकि हर जगह 90% लोग मनुवादी मानसिकता के बैठे हैं, वो कानून को इम्प्लीमेंट नहीं, कानून को तोड़ना चाहते हैं, जहाँ जहाँ छुआछूत करनी है, जहाँ जहाँ भेदभाव करना है, वो हर जगह कानून तोड़ा जा रहा है। हजारों हजारों की तादाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, हजारों हजारों की तादाद में हकमारी करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो प्रोफेसर अपॉइंट होने हैं वो नहीं किए हैं, वो सब अपराध था। OBC के लोगों को नहीं अपॉइंट किया, वो अपराध था। NFS किया, NFS क्या है? जो अंबेडकरवादी है वो NFS कभी नहीं हो सकते, ये साइंस है। और जो अंबेडकरवादी नहीं है, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी से नहीं आते, वो NFS बाय बर्थ होते हैं। ये मेरी स्टेटमेंट है, ये साइंटिफिक स्टेटमेंट है। मैंने इसे सुप्रीम कोर्ट में भी एक बार आर्ग्यू किया था और मैं चाहता हूँ कि इस पर डिबेट करें मुझसे मनुवादी, कि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि वो NFS होते ही हैं बाय बर्थ, उनमें से एक्सेप्शन हो सकती हैं थोड़ी बहुत, उसका उल्टा है SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ का, वो बाय बर्थ NFS नहीं होते हैं, वो बाय बर्थ फाउंड सूटेबल ही होते हैं। तो ये है, उनमें एक्सेप्शन हो सकती हैं कि वो NFS कुछ 1-8% हो। तो ये जो है देश में अन्याय हो रहा है, इसीलिए 28 तारीख को मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, 28 तारीख को प्रिंसिपल ये वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन करने की सबकी जिम्मेदारी है, उन समस्त टीचरों से, उन समस्त मैं SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के टीचर से जिन्होंने PhD किया और जिन्हें नौकरी नहीं मिली आज तक, उनसे गुजारिश करता हूँ, उन सभी स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ जो PhD करके टीचर बनना चाहते हैं, जो PhD करके और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पढ़ाई करके नौकरियाँ हासिल करना चाहते हैं, आज डॉक्टर रितु के केस में उनका साथ दें। ये डॉक्टर रितु का केस नहीं है, ये एकलव्य की लड़ाई है, वो हम सब लड़ेंगे तो एकलव्य बनने से बचेंगे, नहीं तो हर एक SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ का अंगूठा नहीं, हाथ काटे जा रहे हैं, गर्दन भी काटी जाएगी। इसलिए 28 तारीख को सब लोग आएँ सुबह 11:30 बजे VC के ऑफिस के बाहर। अब ये टेस्ट है कि हम सिर्फ जबान से अम्बेडकरवादी हैं या हम लोग अमल में भी लाके इसके लिए संघर्ष करने को तैयार हैं।